उधर रमजान का महीना शुरू होते ही यरूशलम में मौजूद अलक्सा मस्जिद में एक बार फिर बवाल हो गया। आरोप लगाया गया कि वहां इसराइल की सेना की नमाज पढ़ने आए लोगों से झड़प हो गई। और फिर वही हुआ जो हर बार होता आया, इसराइल के सैनिक वहां मौजूद लोगों को वहां से धक्के मारकर बाहर निकालते नजर आए। जैसे ही इसराइल की सेना ने वहां एक्शन शुरू किया, चीख पुकार मच गई। भीड़ ने जब इसका विरोध किया तो वहां मौजूद सैनिकों ने डंडों का जोर दिखाया। एक सैनिक के डंडे चलाते ही मानो बाकियों को भी लाइसेंस मिल गया। फिर तो इसराइल के सैनिक ऐसे टूटे कि वहां मौजूद सभी लोगों को पीटते चले गए। अलक्सा मस्जिद को लेकर इसराइल और फिलिस्तीन में कई बार विवाद हुआ। यहां तक कि इसराइल ने करीब 2 साल पहले वहां नमाज पढ़ने पर बैन लगा दिया था, और तो और वहां अपनी सेना की एक टुकड़ी तक उसने तैनात कर दी थी। लेकिन रमजान के महीने और जुमे के दिन वहां सैकड़ों की तादाद में अब भी लोग नमाज पढ़ने पहुंचते हैं, और फिर इसराइल की सेना और उनके बीच झड़प हो जाती है।